खाओ मन के खाओ भाई, पैसे तुम्हें देने। मम्मा के प्रैंक का बदला आज होगा। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग गाइस। मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ सुबह के 10 बजे यार। आज सैटरडे है, सोने का दिन था, छुट्टी थी अहमद की, लेकिन आज भी आपका भाई सुबह 10 बजे उठा है इस वजह से कि भाई अहमद की दो बुक्स शॉर्ट हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जो मिली नहीं है हमें कोर्स में, वो स्कूल से मिलेंगी आज। तो उनका मैसेज आया था कि भाई स्टॉल लगेगा, आके वो बुक ले जाना। सुबह सुबह यूँ जा रहा हूँ, टाइमिंग तो 1:30 बजे तक की है। सुबह सुबह यूँ जा रहा हूँ कि वो बुक खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पिछले वीक में यही हुआ था कि बुक खत्म हुए नहीं। तो भाई सोचा था कि आज लंबा सोएंगे, हफ्ते के दिन है, कहीं नहीं जाना, छुट्टी है, सुकून से सो के उठ के नींद पूरी करेंगे। लेकिन भाई सोना सारा नसीब में नहीं लिखा हुआ। तो एनीवेज गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल अहमद की बुक्स लेने। आप लोग भी मेरे साथ चले अहमद के स्कूल में, आपको दिखाता हूँ। और वापसी में आएंगे या तो हलवा पूरी लेते हुए। तो गाइस अभी चलते हैं स्कूल। तो गाइस स्कूल जाने से पहले अभी तक किसी ने जिसने बल्कि अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वकास और ऑफिशियल 2.0 ऐप को, बात तो सही है। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही चलते हैं स्कूल। तो हाँ जी गाइस, मौसम आज ही बड़ा भी ज़बरदस्त हो रहा है बाहर, हल्की फुल्की बारिश वाटर रोजाना हो रही है भाई। अभी भी रोड सारे गीले हो रहे हैं, हल्की फुल्की यानी बारिश हो ही है। तो भाई पहले निकालते हैं अपनी बाइक के पास, चलते हैं स्कूल। तो गाइस अहमद के स्कूल में आ गया हूँ भाई। अहमद के स्कूल में आपको दिखाता हूँ फुल लश ग्रीन है। आखिर आपको बताइए, लोग अपनी ग्रीनरी और खूबसूरती के चक्कर में हर चीज़ करते हैं भाई। देखिए हमारा लेवल का कोई स्कूल है अहमद साहब का, क्योंकि इधर कॉलेज भी अंदर है, यूनिवर्सिटी भी अंदर है, हर चीज़ अंदर है। मैं देखता हूँ अहमद की क्लास के लिए मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अहमद की क्लास मुझे पता नहीं है, 33 क्लास अभी स्टार्ट हुई है, मेरे ख्याल से अंदर ही जाना है। उधर अंदर जाने अंदर के मालूम करता हूँ टीचर से कि भाई कहाँ मिलेंगे बुक्स। पेरेंट्स तो आए हैं भाई बहुत सारे बुक्स के चक्कर में, जिनको नहीं मिली होगी वो ज़ाहिर ही बात है आ रहे होंगे लेने के लिए। पिछले वीक काफ़ी लोगों को नहीं मिली। देखें भाई स्कूल का लाइब्रेरी, यहाँ बैठते हैं हम लोग, इंतज़ार करते हैं बच्चों का। तो सो गाइस ये 5 मिनट का काम था, ये 2 हैंड बुक्स के लिए भाई आपके भाई को सुबह सुबह उठना पड़ा। तो एनीवेज खैर अहमद का तो काम हो गया भाई 5 मिनट के अंदर अंदर। अब चलते हैं घर की तरफ, देखते हैं। घर पे नींद नहीं आई तो भाई मैं वर्किंग पे निकल जाऊंगा सुबह सुबह, अपना डॉक्टर से बात कर जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी करते हैं फिलहाल नाश्ता और निकलते हैं बाहर की तरफ। A few moments later, बुक्स लेके भाई मैं आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कोई ना कोई दोस्त मुझे मिल जाएगा, तो हमें मिल गए पैदान भाई नाश्ता कराने के लिए। हलवा पूरी बोल रहे भाई, खुद बर्गर बेचते हैं, लेकिन भाई नाश्ता वाश्ता खुद हलवा पूरी का हो रहा है पैदान भाई का। अब मैं करूँगा हलवा पूरी का नाश्ता। पैदान भाई खाओ मन के खाओ भाई, पैसे तुम्हें देने मेहरबानी मेहरबानी। और भाई घर आ गया हूँ भाई अहमद की बुक लेके, नाश्ता वाश्ता करके करें दरवाज़ा बंद। ये काम था भाई सिर्फ 10 से 15 मिनट का स्कूल का काम था और 10 से 15 मिनट का बाहर नाश्ता करना था भाई। नाश्ते के लिए आपको पता है दाने दाने पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम। हमें एक दोस्त मिल गया फैजान भाई और उन्होंने हमें मुफ्त करा दिया भाई। एक मिनट भाई पहले दरवाजा दरवाजा खोल लें जरा। अस्सलाम वालेकुम, लाइट्स ऑन, दरवाजा बंद, कुंडी लगाओ और अहमद की बुक्स बाइक इधर। तो गाइस अब सोएंगे दोबारा और फिर मिलते हैं आप लोगों से तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद। One eternity later. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अब मुझे आहिस्ता बोलना पड़ेगा, इसलिए बाबा ना अभी बाबा आए। अभी मैं बाबा मेरी मम्मा के साथ ना, बाबा ने कल बहुत गंदा प्रैंक किया था, मैं मम्मा रो गई थी ना, तो आज मम्मा ने बोला कि चलो अहमद बाबा के साथ ना कोई प्रैंक करते हैं सही। तो मम्मा और मेरे दिमाग में सेम प्रैंक आया, पता क्या याद है, बहुत पहले बाबा ने मेरे साथ एक और मेकअप का प्रैंक किया था। अब उस दिन का बदला और मम्मा के प्रैंक का बदला आज होगा। गाइस ये पीछे की आवाज़ है ना धक धक की, इनको आप इग्नोर करिएगा, ये आइसक्रीम आई तो आ ही जाते हैं, इसलिए यहाँ बराबर वाले इतना काम करेंगे, काम खत्म हो ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
तो सुबह आहिस्ता बोलना पड़ेगा। और गाइस अभी मम्मा मुझे सामान निकाल के देगी और फिर उसके बाद मैं बाबा का मेकअप करने जाऊंगा। अल्लाह सामान नहीं निकालो, वो जो आपके पास मोबाइल है ना उसमें फिल्टर है ना, वो वाली पिक्चर्स नहीं ना, नहीं मेकअप करना है, मेकअप ही करना है भाई। उठ जाएंगे बाबा? बाबा नहीं, वो भाई मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो नहीं उठते, मैं आहिस्ता आहिस्ता से करूँगा, बाबा नहीं उठेंगे, नहीं टेंशन ना लें, नहीं उठेंगे। सो गाइस मैंने मम्मा की मेकअप किट निकाल ली और पापा अभी लेट गए हैं, वो सो गए हैं। और गाइस देखे मैं नई नई ये देखे हैं और लिपस्टिक ढूंढनी, सबसे पहले लिपस्टिक गाइस देख लीजिए, इसके अंदर आप देखे ये शीशा जरूरी है, इसलिए ये शीशे से देखेंगे बाबा का फेस कितना मुझे बाबा ने मतलब पहले ना बहुत गंदा प्लान किया था वो वाला ना, उसका बदला आ जाओ। ये देखे ये कोई लिपस्टिक विपस्टिक है नहीं गाइस, ये देखे लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छी मम्मा की नई लिपस्टिक है, आपको पता है? नई वाली नहीं लो ना, मैं तुम्हें पुरानी वाली निकाल के देती हूँ, खराब है ना, रुको मैं देती थी। तुम दूसरी चीज़ें तो निकालो इसमें से। तो गाइस दूसरी चीज़ निकाल, गाइस पाउडर मिल गया, पाउडर 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 ये अल्लाह पाउडर पाउडर नहीं लूज पाउडर रखा हुआ, ये रहा पुराना, ये आंखों पे लगाएंगे सही। रुको मैं चीजें निकाल के दूँ तुम्हें, तुम चीजें खराब कर दोगे, छोड़ दो। अरे नहीं होगा, मैं दे रही हूँ, रुक जाओ। गाइस मैंने चारों चीजें निकाल ली और मैं तो जरा मुझे आंखों पे लगाता ना ब्लैक वाला वो भी, लेकिन मेरे से होगा नहीं, बहुत मुश्किल है गाइस। और मजा आएगा ये वाली, नहीं ये वाली लिपस्टिक चाहना था, मैं तुम्हें दे रही हूँ ना दूसरी वाली, रुको ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, गाइस देखे इतनी अच्छी लिपस्टिक है, ये वाली मम्मा ने अपनी टूटी वाली लिपस्टिक दे दी, इसका कलर डार्क है ना, देखो रेड निकालो, इधर से गलती ऊपर से टूटी हुई है वो, आपके लगाऊ नहीं चलो बस आज जल्दी और जाएंगे बाबा, चले चले जल्दी चले जल्दी चले, समझ ये बंद करो जल्दी से, मुस्तफा साहब आ जाएंगे वो पूरा लगा दो, हाँ निकाल के लगा दो।
बहन डर गई, बहन डर गई। दोस्तों गाइस हम सब कुछ करके आ गए हैं और हम लोग अभी मुस्तफा को भेज देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भेज। फेस देखिए जाके उस तो अभी हंस रहा है। देखिए फेस देखिए अपना, वो डर रहा है आपसे। मैंने तो नहीं किया, अहमद ने किया। तुमने तो बदला लिया कल का। मुझे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैंने मैंने नहीं बोला, इसको खुद आइडिया आया था। इसको खुद आइडिया आया था मैंने। गाइस बाबा बिल्कुल गोरे हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, लिपस्टिक लगा दी, लिपस्टिक साफ होगी, नहाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने अहमद से बोला था, अहमद कहा कम लगाओ। इंसान थोड़ा थोड़ा लगाता, पूरा मसल दिया मुझे यार। A few moments later. तो गाइस भाई इन लोगों ने, अहमद ने और हिरा ने मिलके ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया यार। ये लिपस्टिक इतनी कौन सी पता नहीं पक्की लिपस्टिक लगा दी तुम लोगों ने यार। हिरा परमानेंट लिपस्टिक, मुझे यकीन मानो मैं आधा साबुन खत्म कर दिया, छुड़वा 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 के जान लगा हुआ। अच्छी वाली थी ना, मैं हटी नहीं रही थी भाई, माथे से दर से इतनी चिपक गई थी, पूरी लाल हो गया पूरा मुंह मेरा यार। लेकिन कसम से तुम तो कैमरे में आ गए, अहमद तो गया। गाइस अभी नया जो प्रैंक आने वाला है ना अहमद के ऊपर, ऐसा कोई क्लास का आने वाला ना जिसकी कोई हद नहीं है। आपने भी तो किया था उसके साथ। उसके साथ क्या किया मैंने? आपने उसके मेकअप नहीं किया? कब किया मैंने उसको? लास्ट व्लॉग में आपने तीन चार, अरे वो तो हमने एक वो किया था ना कि दुल्हन, उसको दुल्हन बनाया था, दुल्हन बनाया था ना उसको। अब ये हम तो सो रहे, एक बंदा सो रहा है, उसके आप मेकअप कर दो सुकून से आके। इतना सब लिपस्टिक लगाई थी कि हटी नहीं रही। तो बहरहाल तुम तो कैमरे में आती नहीं हो और अहमद गया। तो एनीवेज गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं हिरा की कजन के घर पे। वो कजन से जो हमारे घर पे रहने आती हैं, बहुत दिनों से प्लान बन रहा था जाने का, जा नहीं पा रहे थे क्योंकि अहमद के स्कूल खुल गए, टाइम बहुत शॉर्ट होता है भाई। तो अभी तीन दिन की छुट्टियां हैं तो भाई हमने सोचा अवेल करें, तो जा रहे हैं अभी हम उन लोगों के घर पे। और भाई ये आवाज़ें जो आती ना हमारे घर से धम धम धम, भाई बराबर वाला घर बन रहा है, इन आवाज़ों को जरा इग्नोर किया करें गाइस। और हमारी गली में जो तीन डब्बे बोसी टुकड़े और ये भाई, ये तो इग्नोर करा ही करा करो यार, क्या कर रहे हैं। हमारी घर मोहल्ला होता है ना, तो वहाँ तो भाई ये आपको पता है रेडी वाले सब्जी वाले आते ही लाजमी आते हैं। हम कोई वहाँ पे वो जो होता है ना क्या कहते हैं, सोसाइटीज तो है नहीं, सोसाइटी तो है नहीं भाई हमारी अभी फिलहाल। तो जब सोसाइटी में जाएंगे इंशाल्लाह फिर आपको वो तीन डब्बे नहीं आएंगे। अभी तो भाई मजबूरी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और हम भी करना पड़ता है। तो ये भी एक
ये भी एक मोहल्ले की जरा खूबसूरती होती है, मजा आता है, आते हैं तो बाहर। लेकिन व्लॉग में बड़ा बुरा लगता है कि यार व्लॉग कर रहे हैं, पीछे 3 डब्बे टमाटर ले लो ये भाई। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं कि कजन के घर पे, भाई इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, व्लॉग लंबा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी लंबी एडिटिंग करनी पड़ जाती है भाई। तो भैया इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लागने दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ कल एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।